बस मेरी चाय बन के तैयार हो गई है और नमाज पढ़ चुके थे। नमाज के बाद चाय न मिले तो बस ऐसे लगता है कि दिन बिल्कुल अधूरा सा है। और बस आज छुट्टी का है आखिरी संडे, तो बस हमने सोचा कि आज हम एक ब्लॉग शूट करेंगे और दिन का जो भी रूटीन रहेगा आपके साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह से शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो बस आज हमने सोचा है कि आज है छुट्टी का आखिरी संडे, यानी कि स्कूल बस खुलने वाले हैं बच्चों के और बस आखिरी संडे। लेकिन एक ये भी रहता है ना, जब स्कूल खुलने वाले होते हैं छोटे बच्चों की, तो बहुत खुशी होती है कि बस अब बच्चे स्कूल जाएँ और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि घर में रह के इतना शोर इतना वहम होता है कि बस ये लगता है कि अब स्कूल खुल जाना चाहिए। तो बस आज हमने सोचा है कि आज हम आपके साथ एक ब्लॉग आपके लिए एक ब्लॉग ज़रूर शूट करेंगे। इंशाल्लाह दिन की जो रूटीन रहेगी हमारी वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ब्लॉग आपको पसंद आते हैं। तो कोशिश करके वीक में एक दो ब्लॉग। अच्छा, घर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ जो कि आपकी बहुत फेवरेट होती है, जो कि जहाँ पे बैठ करके ऐसा लगता है कि बड़ा सुकून मिलता है और काम जैसे लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी से हो रहे हैं। तो बस ये वही जगह है, किचन के बिल्कुल पास है और बस हम इस चेयर पे बैठ जाते हैं और यहीं पे हम जो है अपना सारा किचन का काम ज़्यादातर मतलब यहीं पर करते हैं। तो बस हमें लहसुन लहसुन छीलना था, वो छील लिया। अच्छा, डाइनिंग टेबल पर बैठ कर कंफर्टेबल इतना नहीं होता जितना हम उस जगह पे बैठ के जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं। तो बस आज थोड़ी सी रेसिपी हैवी थी, क्योंकि हमारे हस्बैंड कह रहे थे, संडे का दिन भी था और उनका कहना था कि आज हमें खिचड़ा खाना है। तो बस उसकी इतनी ढेर सारी तैयारियाँ होती हैं कि बस करते करते जैसे लगता है 2-3 घंटे बहुत आसानी से निकल जाते। तो बस प्याज काट रहे थे, हंसी मेरे इस बात पे आई थी कि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा प्याज जब आप काटती हैं तो हम लोग सब रोने लगते हैं, पूरा घर रोने लगता है और सिर्फ हमारे ही नहीं आंसू आते हैं। तो बस इनके अब्बा जो हैं ले आए थे सुबह नाश्ता बच्चों के लिए, क्योंकि छुट्टी जब उनकी रहती है तो बाहर से ही नाश्ता आता है, क्योंकि हम तो मंगा के देते नहीं हैं। तो क्योंकि हम बहुत कम ही जो है बाहर का नाश्ता मंगाते हैं, ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि घर ही में जो है हम बना दें। तो आहत को नाश्ता करना नहीं था पूरी सब्ज़ी, तो हमने उनके लिए आम काट के दे दिया था जो कि वो खा रहे थे। और आज हमें बनानी थी सब्ज़ी, क्योंकि जो है खिचड़ा बनते बनते शाम हो जाती है, तो हमने बनाई थी सब्ज़ी घुइयाँ और तरोई की, और ये बहुत टेस्टी लगती है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये किसको पसंद है और ये क्या है, हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे तो बहुत फेवरेट है। तो हमने उसको भी बना लिया और सब्ज़ी मेरी बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि दोपहर में सब्ज़ी और रोटी थी खाने में, क्योंकि खिचड़े में बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ी तैयारी हमने सुबह कर ली थी और फिर उसके बाद हमने सोचा था कि नमाज़ पढ़ने के बाद उसकी तैयारी करेंगे। तो ये आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट्स करके, ये क्या चीज़ है, किस चीज़ की सब्ज़ी हम बना रहे हैं। तो सुबह हमने खिचड़े की तैयारी में अदरक लहसुन पीस चुके थे, पीस के रख दिया था हमने, और क्योंकि बहुत टाइम लगता है अदरक लहसुन पीसने में, और हमारा तो ज़्यादातर ये रहता है कि गर्मियों में फ्रेश ही पीसें, क्योंकि लाइट का इतना ज़्यादा मसला रहता है, तो बस ये रहता है कि फ्रेश फ्रेश था अदरक लहसुन पीसा हो। और बस बच्चे अपने वर्क में लगे थे, क्योंकि स्कूल बस खुलने वाले हैं, कुछ वर्क कर रहे थे कुछ वर्क दूसरों का कर रहे थे कि अभी आप कर दीजिए। तो बस इसमें सब लगे हुए थे कि जल्दी जल्दी वर्क पूरा हो जाए। तो बस ये देखिए, अब खिचड़े की रेसिपी हमने नहीं दी क्योंकि संडे का दिन था और बहुत टाइम लगता है फिर रेसिपी में, तो इसलिए थोड़ा सा हमें बाज़ार भी जाना था, तो हमने जल्दी जल्दी से तैयार कर लिया था। 4 बजे मेरा बिल्कुल तैयार हो गया था।
और हो रहा था नमाज का टाइम, तो हमने अप्पू से कहा कि आप जो है इसको थोड़ा भूनिए जब तक कि हम नमाज से फ्री हो जाते हैं, और वो नमाज़ पढ़ चुकी थी, तो हमने कहा ज़रा आप इसको भूनिए जब तक कि हम नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो बस मेरा भून चुका था, बस इसी में ज़्यादा टाइम लगता है, गोश्त भूनने में और तैयारी करने में, दालें और सामान सब गलाने में, बस इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस मेरा सब बिल्कुल तैयार था, और बस 4 बजे में हमने बिल्कुल तैयार कर दिया था, सुबह से लगने के बाद 4 बजे बिल्कुल तैयार हो गया था खिचड़ा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्टी सा बना था। इंशाल्लाह हम इसकी रेसिपी बहुत जल्दी आपको देंगे। और बस हमने लगा दिया था, आहत भी बैठे हुए थे और उनके अब्बा भी कि जो है खाएंगे। और उसके बाद रात ऐसी होती गर्मी की, जब तक कि कुछ ठंडा ना हो तो रात ही नहीं गुजरती है जैसे लगता है हमारे घर में। तो बस एक बढ़िया सा हम शेक आपको बताते हैं, जो कि इजी भी है और बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, मैंगो शेक तो आपने बहुत से पी होंगे, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इतना फ्रेश सा लगता है और इतना अच्छा लगता है। और बल्कि सब चीज़ें बहुत ठंडी होना चाहिए, इसमें बर्फ़ नहीं डालेंगे हम। हमने ये आम काट के फ्रीज़र में लगा दिए थे, और इसमें हमने डाली थोड़ी सी कॉफ़ी और 2 चम्मच हमने डाली इसमें शक्कर, और डाल के इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है, और पानी डाल के बस जो कॉफ़ी के लम्स रहते हैं उसको हमने घोलना है, हमें कोई फॉर्म नहीं बनाना है। तो बस थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला, और पानी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, बस इस तरह से कि हमारी शक्कर और जो कॉफ़ी है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे, ये तो हमारे घर की फ्रेश क्रीम थी, अगर आपके पास जो है कैन वाली क्रीम हो तो आप वो डाल दीजिएगा। ये हमने 1 चम्मच क्रीम डाली, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और शुगर हम थोड़ी सी कम ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा मीठा ये नहीं अच्छा लगता है। और बस ये आम हमने इसमें डाले, और जब हम शेक बनाते तो ज़्यादातर हम पैकेट वाला ही दूध यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ठंडा होता है और बस जल्दी जल्दी से काम आसान हो जाता है। तो बस हमने डाला इसमें 1/2 पैकेट दूध, और जो कॉफ़ी हमने मिक्स की थी वो डालेंगे बस हम इसमें। अच्छा, 1/2 पैकेट हम इसलिए डालेंगे कि पहले हमें जो ये आम है ये अच्छे से ब्लेंड करना है, लम्स ना रह जाए बिल्कुल भी। तो और कॉफ़ी डाल देंगे, और थोड़ी सी कॉफ़ी हम रोक लेंगे ऊपर जो है गार्निश करने के लिए, थोड़ी सी रोक लेंगे बस। और ये जो है 10 रुपए के होते हैं, ये छोटे छोटे से कप होते हैं ये आइसक्रीम के, क्योंकि ये तो हमें लगता है सभी के घर में रखे ही रहते होंगे। तो बस ये हम हमेशा रखते हैं, क्योंकि रात में इनके अब्बा जब भी कहते हैं तो बस हम ये बना के, क्योंकि आम ऐसा फेवरेट फल है कि कोई भी इनकार नहीं, हर तरह से आप यूज़ करके उसको खा सकते हैं। तो बस ये डाल दिया 1 हमने इसमें कप जो है आइसक्रीम, और उसके ऊपर डाली हमने ये पोर कर दिया जो हमने कॉफ़ी और आम का शेक बनाया था इस तरह से। और ये इतना टेस्टी होता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपका भी फेवरेट हो जाएगा। मेरे घर में तो बहुत ही फेवरेट है। और हमारा ब्लॉग यहीं तक के था, ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा, शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने खूबसूरत सी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।